तो इसमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट होती है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर है एथूजा का। फिर फिजिकली ग्रेट वीकनेस है इसमें, चाइल्ड कैन नीदर स्टैंड नॉर होल्ड अप द हेड, प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस इज़ वेरी वेल मार्क्ड। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कॉन्स्टिट्यूशन में ही कि फिजिकली भी वो बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है उसको, और ही कैन नॉट इवन स्टैंड, द चाइल्ड कैन नॉट इवन स्टैंड एंड नाइदर ही कैन होल्ड हिज हेड अप, ओके, और प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस इज ऑल्सो वेरी मार्क्ड। फिर है एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट एंगजाइटी एंड पेन, संकननेस इन द फेस विथ वेल मार्क लीनिया नेजालिस, वेल मार्क लीनिया नेजालिस इज ऑल्सो अ मोर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एथूजा। मेंटली द पेशेंट इज इडियोटिक, वेरी मच कन्फ्यूज एंड अनेबल टू थिंक। एपिलेप्टिक स्पैजम्स इसके इंपॉर्टेंट है, इसको एपिलेप्सी के स्पैजम्स कैसे आते हैं, विथ क्लेंच्ड थम, रेड फेस होता है एकदम, और फिक्स्ड और डायलेटेड प्यूपल्स होते हैं, माउथ इज फिल्ड विथ फोम, लॉक्ड जॉ हो जाता है विथ स्मॉल हार्ड एंड क्विक पल्स, एंड मोस्ट पेक्यूलियर सिम्टम इज आइज आर टर्न्ड डाउनवर्ड, आइज इसके टर्न डाउनवर्ड होते हैं इंस्टेड ऑफ अपवर्ड और साइड वाइज, ठीक है। तो एथूजा का एपिलेप्सी कैसा होता है, विथ क्लेंच्ड थम, रेड फेस, फिक्स्ड एंड डायलेटेड प्यूपल्स, माउथ, अब बताओ, माउथ में फोम भरा रहेगा, ठीक है, और लॉक जॉ हो जाएंगे, और पल्स कैसी रहेगी, स्मॉल हार्ड एंड क्विक, एंड मोस्ट पेक्यूलियर इज आइज आर टर्न डाउनवर्ड, ठीक है। हर्पेटिक इरप्शंस ऑन द एंड ऑफ नोज, ये हमने पहले ही देख लिया है। तो इसके गाइडिंग सिम्टम्स में क्या क्या है, इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क इन एनी फॉर्म। सेकेंड है इनडाइजेशन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन। थर्ड रीगर्जिटेशन ऑफ फूड आफ्टर ईटिंग, ठीक है, और फिर वॉमिट इसका डिस्क्राइब करो, वॉमिट कैसा है, मिल्की वाइट या ग्रीनिश कोपियस होता है, और वॉमिट के बाद उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। फिर थर्स्ट बताओ, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट है। फिजिकली कैसा है, फिजिकली बहुत ज़्यादा वीकनेस है, प्रोस्ट्रेशन है, स्लीपीनेस है, और फिर ये उसके फीचर्स बताओ कि संकननेस होती है फेस में, वेल मार्क लीनिया नेजालिस है, ठीक है, हर्पेटिक इरप्शंस है नोज पे। मेंटली पेशेंट कैसा होता है, इडियोटिक होता है, अनेबल टू थिंक, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। एपिलेप्सी कैसी होती है, क्लेंच थम के साथ, रेड फेस, फिक्स डायलेटेड प्यूपिल, माउथ इज फिल्ड विथ फोम, लॉक जॉ, स्मॉल हार्ड एंड क्विक पल्स, ठीक है, और आईज आर टर्न डाउनवर्ड, हर्पेटिक इरप्शंस ऑन द एंड ऑफ द नोज। माइंड अब इसका देखते हैं, तो पेशेंट इमेजिन दैट ही सीज रैट और माउस रनिंग अक्रॉस द रूम, इडियोसिटी विथ इनकैपेसिटी ऑफ थिंकिंग एनीथिंग एंड कन्फ्यूज, ये देख लिया। फीचर्स आर एक्सप्रेसिव ऑफ मच पेन एंड एंग्जाइटी फाउंड ऑन द फेस विद अ ड्रॉन कंडीशन, वेल मार्क लीनिया नेजालिस, पढ़ लिया है। एथूजा इज अ वंडरफुल मेडिसिन फॉर एग्जामिनेशन फंक के लिए, अच्छी मेडिसिन है। ट्रायोज ऑफ एग्जामिनेशन फंक, ठीक है, एग्जामिनेशन फंक मतलब एग्जामिनेशन फेयर, ठीक है। तो इसमें तीन मेडिसिन है, एथूजा वन ऑफ द मेडिसिन, एथूजा, अर्जेंटम नाइट्रिकम और जेलसीमियम, ये तीनों हैं। एलिमेंट्स इसको कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, तो एलिमेंट्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, डेंटिशन के पीरियड पे, हॉट समर वेदर में, मिल्क इन एनी फॉर्म, डाइट में एरर हो, बैड हाइजीन की वजह से, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये एथूजा हमारा गाइडिंग सिम्टम्स भी खत्म हो गया। तो इसके प्रूवर कौन है, नैनिंग इसके प्रूवर है, अम्बेली फेरी फैमिली है, और फूल्स पार्सले इसका कॉमन नेम था, ठीक है। एथूजा का बेबी देखते हैं, तो वन कैन टेक द हेल्प ऑफ एथूजा साइनेपियम एज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर वॉमिटिंग इन बेबीज, कोलेरा इन्फेंटम एंड एपिलेप्सी, ये जो हम अभी से पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, है ना, कि वॉमिटिंग इन बेबी, कोलेरा इन्फेंटम और एपिलेप्सी के लिए एथूजा इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी, ठीक है। द ट्रबल्स अकर नॉर्मली ड्यूरिंग डेंटिशन पीरियड एंड हॉट समर वेदर इन चिल्ड्रन हु कैन नॉट टॉलरेट मिल्क इन एनी फॉर्म, द बेबी इज वेरी वीक, ही कैन नॉट स्टैंड अप एंड ही कैन नॉट होल्ड हिज हेड अप, वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन विथ स्लीपीनेस इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द रेमेडी, द चाइल्ड इज कन्फ्यूज, इडियोटिक एंड अनेबल टू थिंक, द फीचर्स आर एक्सप्रेसिव ऑफ पेन एंड एंगजाइटी विद अ ड्रॉन कंडीशन एंड वेल मार्क लीनिया नेजालिस इज देयर एंड हर्पेटिक इरप्शन ऑन द एंड ऑफ द नोज, ठीक है। अब वॉमिटिंग इसका कैसा होगा, तो वॉमिटिंग वही वॉमिटिंग का पीरियड कॉज क्या है, डेंटिशन, हॉट समर वेदर, मिल्क और मिल्क इन एनी फॉर्म, ये तीन है। बेबी कैन नॉट टॉलरेट मिल्क इन एनी फॉर्म एंड इट इज वॉमिटेड आउट इन लार्ज क्वान्टिटी लाइक वेरी सार कर्ड दही जैसा, इन वन ग्रेट एफर्ट सून एज इट इज स्वेलोड, जैसे ही दूध का निवाला उसने ऐसे दूध स्वेलो करा वैसे ही उसको वॉमिट हो जाता है, ठीक है। After which the baby becomes greatly relaxed and drowsy during dentition and hot summer weather due to indigestion the baby vomits violently due to indigestion due to during hot summer weather
ओके एंड ड्यूरिंग डेंटेशन पीरियड द बेबी हैज़ टेंडेंसी टू वॉमिट वायलेंटली एंड सडनली ऑफ फ्रॉदी मिल्की वाइट सब्सटेंसेज और येलो फ्लूइड विच देन टर्न्स इनटू कर्डल्ड मिल्क एंड चीजी मैटर. ठीक है, अब इसमें कैल्केरिया ऑस के कैल्केरिया कार्प है ये. ठीक है, कैल्केरिया कार्प के कुछ सिम्टम्स दिए हैं. तो कैल्केरिया का बेबी कैसा होता है, ल्यूकोफ्लेगमेटिक टेम्परामेंट होता है. उसके सारे जो डिस्चार्जेस होते हैं, सार स्टूल होता है, सार वॉमिटिंग होती है और सार स्वेट होता है. ठीक है, और स्वेटी हेड उसके कैल्केरिया के बेबी में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि उसका जो स्वेट होता है वो हेड पे आता है, हेड और बैक ऑफ द नेप पे, बैक ऑफ द नेक जो है उस पर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है उसको, बेबी को इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है कि इट वेट्स द पिल्लो अराउंड, तकिए को गीले करने वाली स्वेट होती है कैल्केरिया की बेबी को. ठीक है, तो ये है विद ओपन फ्रंट एनल्स रहते हैं. रिगर्जिटेशन ऑफ फूड एंड आर ऑल्सो आफ्टर ईटिंग इज ऑल्सो अ रिकॉर्डेड सिग्नल. अब फिर एथोसा का बताने लग गए कि भाई रिगर्जिटेशन ऑफ फूड आफ्टर ईटिंग और आफ्टर एन आर एक घंटे बाद या फिर उसी खाने के टाइम के बाद ही उसको रिगर्जिटेशन ऑफ फूड होने लग जाता है थूजा के बेबी को. ठीक है, तो वही सारे लाइंस वापस रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, आगे क्या है, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग की देख रहे थे. तो वॉमिटिंग कैसा है, कोपियस है और ग्रीनिश है, बहुत ज़्यादा कोपियस है और ग्रीनिश कलर का होता है. आफ्टर वॉमिटिंग वीकनेस प्रोस्ट्रेशन स्लीपीनेस इज फाउंड. मेंटली पेशेंट कैसा होता है, मेंटली बेबी कैसा होता है, इडियोटिक, फिजिकली वीक, ये वापस वही है. फीचर्स एक्सप्रेसिव ऑफ पेन एंग्जाइटी, प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस इज वेरी मार्क्ड, एंड थर्स्ट, एब्सेंस ऑफ थर्स्ट इज ऑल्सो अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द एथूजा, ये ऐड कर सकते हैं. ठीक है, कोलेरा इन्फेंटम देखते हैं. कोलेरा इन्फेंटम में क्या है, समर में अगर डायरिया हो रहा है ना, समर वही हॉट समर वेदर में अगर डायरिया हो रहा है या फिर मिल्क इंटॉलरेंस की वजह से डायरिया हो रहा है. ठीक है, तो इफ द मिल्क drunk by the baby stays in the stomach for a long time. If the milk which is drunk by the baby, it is remaining for a long time and then it is vomited out finally. And so large in quantity that it would seem almost impossible that the baby could have ejected them. ठीक है, इतना ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, इतनी कॉपियस वॉमिटिंग होती है कि नोबडी वुड थिंक कि ये एक बच्चे ने वॉमिट करा है. The condition of stomach when worse turns into cholera infantum. अब ये जब worse condition हो जाती है, vomit करते करते एकदम worse जब condition हो जाती है, then this condition is turned, now this vomiting condition is turning into cholera infantum. मतलब cholera होने लगेगा उसको. Now this, why is this happening? Because due to acute catarrhal inflammation of the stomach. Stomach का जो mucous membrane है उसमें inflammation बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, stomach and intestine with irritation of sympathetic ganglia. इनकी irritation की वजह से, stomach, intestine की irritation की और inflammation की वजह से वहाँ पे cholera होने लग जाता है. ठीक है, तो cause क्या है, कब कब होगा, hot summer weather में, diet के एरर में, डेंटिशन पीरियड में, बैड हाइजीन, ये जो कॉज जो उस सब में चलता आ रहा है. कैरेक्टर कैसा है, ऑनसेट इज सडन एंड द चाइल्ड लाइज स्ट्रेच्ड आउट इन एन अनकॉन्शियस कंडीशन विथ फिक्स्ड एंड डायलेटेड प्यूपल एंड आईज टर्न डाउनवर्ड. संकन फेस एंड वेल मार्क लीनिया नेजालिस होता है, ये हमने देख लिया. तो इसमें क्या है, इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क, वॉमिटेड, ठीक है, आफ्टर वॉमिटिंग द बेबी फॉल कम्प्लीटली प्रोस्ट्रेटेड, एग्जॉस्टेड, वायलेंट सडन वॉमिटिंग ऑफ फ्रोदी वाइट सब्सटेंस, ऑल्सो समटाइम्स ग्रीन एंड कोपियस. द चाइल्ड कैन रिटेन नथिंग इन इट स्टमक एट एवरी कमेंसमेंट ऑफ एन अटैक. देर इज ग्रेट एग्जॉशन, रैपिड वेस्टिंग ऑफ द टिश्यू होती है. ठीक है, वेस्टिंग ऑफ द टिश्यू एज इन वेस्टिंग ऑफ द मसल्स. अब एकदम वीक लीन थीन सा हो जाएगा. ठीक है, इतना ज़्यादा वॉमिट करके संकन फेस हो जाएगी, लीनिया नेजालिस जो है वो बहुत ज़्यादा मार्क्ड हो जाएगी इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क की वजह से. ठीक है, स्टूल कैसा होगा, स्टूल ही इंपॉर्टेंट है कोलेरा इन्फेंटम में. ये ऊपर तो वॉमिट बता दिया इन्हें, तो स्टूल उसका कैसा होगा, ग्रीनिश कलर का होगा स्टूल, लिक्विड होगा, स्लाइमी होगा, अनडाइजेस्टेड, प्रोफ्यूज बहुत ज़्यादा होगा, प्रोफ्यूज होगा विद ग्रीन म्यूकस, ग्रीन कलर का. तो ग्रीन म्यूकस, ग्रीनिश, स्लाइमी, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे. अब ड्यूरिंग और बिफोर स्टूल क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोली की पेन होता है और कन्वल्शंस होते हैं. आफ्टर स्टूल वीकनेस प्रोस्ट्रेशन थकार के स्लीपीनेस आ जाती है उसको. ठीक है, लेटर लास्ट स्टेज में क्या होता है, लास्ट स्टेज सिम्टम्स ऑफ कोलैप्स सुपरवीन. मोडालिटी वर्स इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में वर्स है, ज़्यादा दिक्कत होती है. फॉर क्योर ऑफ कोलेरा इन्फेंटम समटाइम्स एथूजा शुड बी फॉलोड बाय एन एंटीसोरिक रेमेडी लाइक सुराइनम और सल्फर्स. फॉर एकदम ही क्योर करना है कोलेरा इन्फेंटम
को तो आप एथूजा पहले दो एंड देन आप कोई सी भी एक एंटीसोरिक दे दो, फॉर एग्जांपल या तो सोराइनम दो या सल्फर दे दो, ठीक है। द अटैक में लास्ट फॉर फ्रॉम अ फ्यू आवर्स टू सेवरल वीक्स, फिर इससे ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब कन्वल्शंस देखते हैं, हमने कोलेरा इन्फेंटम देख लिया, ऊपर वॉमिटिंग देख ली, लास्ट है कन्वल्शंस या फिर जिसको एपिलेप्सी कहते हैं। तो एपिलेप्सी हमने पहले ही देख लिया है कि एथूजा हैज़ गॉट पेक्यूलर सिम्टम्स, आइज आर टर्न डाउनवर्ड इंस्टेड ऑफ अपवर्ड और साइडवाइज, इफ द कंडीशन इज वर्ड संकननेस ऑफ द फेल ऑफ द फेस इज वेल मार्क्ड विद लीनिया नेजालिस सिम्टम्स लीड टू मोर देन, ठीक है, स्पैजम विथ क्लेंच्ड थम रेड फेस, ठीक है, रेड फेस एकदम, फिक्स डायलेटेड प्यूपल्स, माउथ बताओ तो लॉक्ड जॉ रहेगी, फोम इन द माउथ और एंड वेरी वेरी मार्क, ठीक है। पल्स कैसी है, स्मॉल क्विक एंड हार्ड है। आफ्टर स्पाजम वीकनेस प्रोस्ट्रेशन स्लीपीनेस इज देयर। जनरल मोडालिटीज में एग्रवेशन कब हो रहा है, एग्रवेशन है सुबह मॉर्निंग में, है ना। कोलेरा इन्फेंटम का भी एग्रवेशन कब था, वर्स इन मॉर्निंग, बढ़ कब रहा है, वर्स इन मॉर्निंग 3 AM to 4 AM, ठीक है। और हॉट समर वेदर में, डाइट के एरर में, आफ्टर वॉमिटिंग, आफ्टर स्टूल, ये सब में एग्रवेशन है। एमलरेशन आराम कब है, ओपन फ्रेश एयर के पास, बाय कवरिंग, एट सी शोर, रेस्ट से, ठीक है। और टाइट बैंडेज ऑन हेड, टाइट बैंडेज उसके सिर में एक पट्टी ऐसे जोर से बांध के उसको अच्छा लगता है, ठीक है। रिलेशंस में देखें तो एंटीडोटेड बाय वेजिटेबल एसिड, कॉम्प्लीमेंट्री टू कैल्केरिया कार्ब, ठीक है। इट एंटीडोट्स ओपियम एकोनाइट इन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, ठीक है। तो ये हमने एथूजा साइनेपियम जो है वो ख़त्म करी। कॉमन नेम फूल्स पालसे नैनिंग एम्बेलीफेरी फैमिली। कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, मेंटली पेशेंट कैसा है, हॉट पेशेंट है, तीनों मियाज़म कवर कर रहा था, और पेन और एंग्जाइटी, हर्पेटिक इरप्शन, संकननेस, ये सब हमने देख लिया है, ठीक है। तो मेन एथूजा किसके लिए रेमेडी है, वॉमिटिंग इन चिल्ड्रन, एपिलेप्सी और कोलेरा इन्फेंटम को डिस्क्राइब करना है ड्यूरिंग हॉट समर वेदर, डेंटेशन पीरियड एंड एरर्स ऑफ डाइट की वजह से, इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क, दैट इज ओके। तो ये ख़त्म हुआ है एथूजा।